मारे मैं छोकरा भी आयो लो घरे मैं गरीब मनुख हूँ जो जीव जीव करे मारा पिया वाड़े वालो बाव सी पहले भुगतान फिर मतदान भीख नहीं हम हमारा हक मानते नोट नहीं तो वोट नहीं सहित नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष पूरे सायला कस्बे में रैली निकालते हुए सायला उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे व राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला हम दिखाएंगे आपको इस खबर में। यह ज्ञापन आदर्श एवं संजीवनी सोसाइटी में जमा धन को लौटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं उपभोक्ताओं ने मतदान बहिष्कार की भी चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि आदर्श एवं संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा धन को लौटाने की मांग को लेकर पीड़ित जमाकर्ताओं निवेशकों एवं अभिकर्ताओं द्वारा मंगलवार को अंबे माता मंदिर से सायला उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पैदल रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं एवं भीख नहीं मांगते हम हमारा हक मांग रहे, नोट नहीं तो वोट नहीं सहित नारे लिखी तख्तियां एवं बैनर लेकर चल रहे थे तथा अपना विरोध जता रहे थे। इसके बाद उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में आदर्श संजीवनी एवं अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाखों गरीबों लोगों निवेशकों एवं अभिकर्ताओं के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जमा है, जिसमें मजदूर, किसान, सायाथड़ी, सब्जी वाले, हाथ करगा वाले, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, रिटायर कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आदि का धन लगा हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों से अपने भुगतान को पुनः प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उनके हित में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। ज्ञापन में निवेशकों के हित में निवेशक आर्थिक आपदा कोष का निर्माण करने एवं सोसाइटी के चल अचल संपत्ति को नीलाम कर निवेशकों का धन लौटाने की मांग की है। अन्यथा सभी जमाकर्ताओं एवं अभिकर्ता आगामी चुनावों में मतदान का बहिष्कार कर अथवा नोटा बटन दबाकर अपनी व्यथा जाहिर करेंगे। इस दौरान कर्मेश कानकेकर, हिरेंद्र सिंह देवड़ा, डूंगर सिंह देवड़ा, दलपत सिंह तुरा, भवरलाल सेन, राजेंद्र अग्रवाल, कुंदन मल, भरत पटेल, अशोक कुमार, केवाराम बोरवाड़ा, त्रिभुवन त्रिवेदी, मुकेश कुमार छिप्पा, जयंतीलाल जिंदगर, बगदाराम ललित, नंदकिशोर, राकेश गिरी, दिनेश कुमार, फतेह सिंह, हिम्मत सिंह आकवा, मांगीलाल जिंदगर, जाकिर खान, सगन माली, हीर सिंह राठौड़, राजू भारती समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष जमाकर्ता एवं अभिकर्ता मौजूद रहे। पुकार, हमारा पैसा वापस दिलाओ सरकार। पिछले 5 वर्षों से सारी सरकारें तरह तरह के आश्वासन देकर लोगों को गुमराह कर रही है। बेचारे लोग, गरीब लोगों ने, गरीब जनता ने किस तरह से अपना एक एक पैसा जमा करके इकट्ठा किया है बैंकों में। बैंकों पर सबको विश्वास होता है, लेकिन यही बैंक है जिस इस तरह से लोगों का विश्वास तोड़ेंगे तो फिर लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, किसका विश्वास करेंगे। कौन सी बैंकों ने पैसा लूटा आपका? संजीवनी क्रेडिट, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव और संजीवनी, सहारा, सारी बैंकों के द्वारा हर कोई अपना पैसा बैंकों में जमा करवाना चाहता है और बैंक इस तरह के कार्य करेंगे तो फिर लोग बेचारे, गरीब जनता कहाँ जाएंगे। इसीलिए सरकार से हमारा यही एक ही आश्वासन चाहिए कि लोगों का, गरीब जनता का पैसा वापस दिलवाया जाए। अभी वोट आ रहे हैं तो जब तक लोगों को पैसा नहीं दिलवाया जाएगा, किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी तो सारी जनता, पूरे राजस्थान सरकार में किसी तरह का कोई वोट नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय आपका अटल है क्या? आप वोट नहीं करेंगे? अटल है, अटल है। इसलिए लंबे समय से आदर्श और संजीवनी न जाने कितनी इतनी क्रेडिट सोसाइटियां हैं जिसके अंदर इन करोड़ों लोगों का, प्रदेश का कम से कम 1 करोड़ से ऊपर के निवेशक होंगे जिनका ये पैसा जमा है इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और पिछले 5 सालों से सरकारें न तो इसका कोई जवाब दे रही है, न जमा धन का कुछ निवारण कर रही है। लिक्विडेटर भी लगाया गया, लेकिन लिक्विडेटर ने भी पिछले 3 सालों से क्या किया उसकी कोई सुनवाई और कोई समाधान हमको नहीं बताया जमाकर्ताओं को। और हमारा पैसा अभी तक भुगतान की कोई प्रक्रिया ही समझ में नहीं आ रही है। ब्रांचें बंद है, हम जाए तो जाए कहाँ, किससे पैसा मांगे। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारा पैसा है जो चुनाव से पहले हमें भुगतान की प्रक्रिया समझाए, भुगतान करे हमारे खातों में, हमारा भुगतान करे। क्यों? चूंकि अब सब पैसा बड़ी बैंकों में अंदर खातों में सीज है और सरकार ने सबको फ्रीज कर रखा है। लिक्विडेटर नियुक्त है, लिक्विडेटर ने अभी तक कोई समाधान नहीं दिया। हम सरकार द्वारा अपील कर रहे हैं हमारा पैसा हमें कब मिलेगा। अगर चुनाव में, अगर हमारे चुनाव से पहले हमारी प्रक्रिया समझ में नहीं आई तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे।
और नोटा पे बटन दबाएंगे, अगर फिर भी चुनाव होता है तो हम नोटा पे बटन दबाकर हमारी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। धन्यवाद। मैं 2 लाख रुपया नहीं है, मैं आप सरकार को विनती कर रहा हूँ, सरकार अगर टाइम पर पैसा नहीं देती है तो आप क्या करोगे? धनु देंगे, मर जाएंगे, वोट नहीं देंगे। मारे मैं छोकरा विवाह आयो लो घरे, मैं गरीब मनुख हूँ जो जीव जीव करे, मारा पिया वाड़े वाड़ो बाव सी, मैं तो मोर इक्वा हालत नहीं है।